संख्या लगातार बढ़ रही है। नागपुर में भी कोरोना के मरीजों की संख्या 42,000 को पार कर चुकी है। ऐसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन हर दिन बहुत अलर्ट दिखाई दे रहा है। नागपुर में मास्क नहीं लगाने वालों पर पुलिस जमकर कार्रवाई कर रही है, साथ ही उसे 200 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का दंड भी वसूल कर रही है, जिससे लोग कोरोना को लेकर जागरूक हो और इस महामारी को गंभीरता से लें, नहीं तो कोरोना के फैलने का खतरा और बढ़ सकता है। इस पूरी कार्यवाही पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता अजीत शाह पुलिस निरीक्षक संजय जाधव ट्रैफिक विभाग MIDC पहुँचे। चलिए जानते हैं संजय जाधव ने हमें क्या जानकारी। डेली न्यूज 9 में आपके साथ अजीत शाह। इस वक्त हम नागपुर ट्रैफिक MIDC ऑफिस में संजय जाधव सर हमारे साथ मौजूद है। जो 200 रुपए का चालान है ये 500 रुपए हुआ है, इस पे संजय जाधव सबसे जानेंगे। जी संजय जाधव पुलिस निरीक्षक MIDC विभाग नागपुर शहर। माननीय पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार जी आणि पुलिस उपायुक्त विक्रम साळी साहेब या दोघांनी आज जो कोरोनाचा महामारीचा जो विळखा वाढतच चाललेला आहे यासाठी प्रतिबंध करावं, नागरिकांचे प्राण वाचावे याकरता मास्क आणि हेल्मेट याविषयी जोरदार मोहीम आखलेली आहे। नागपूर शहरामध्ये 50 लोकांचे आणि 5 अधिकाऱ्यांचे असे 5 पथक तयार करण्यात आलेले आहे। पोलीस स्टेशनमार्फत वेगळी कारवाई आहे, तसेच प्रत्येक नाक्यावर वेगळे पोलीस कर्मचारी कारवाई करत आहेत। ह्या सर्व कारवाई करण्याचा हेतू हा एकच आहे की पब्लिकने मास्कचं परिधान करावं, जेणेकरून कोविडच्या ह्या आजारापासून त्यांचं स्वतःचं संरक्षण होईल, समाजाचं संरक्षण होईल। ह्या एका दिवसात सरासरी 3,000 मास्कच्या केसेस नो मास्कच्या केसेस आम्ही करत आहोत आणि साधारणतः 9 लाखाचा दंड हा आकारला जात आहे। साधारण ह्या सर्व कारवाई करण्याचं कारण एकमेव आहे की प्रत्येक नागरिकांनी जागृत व्हावं, जनजागरण व्हावं, प्रबोधन व्हावं आणि मास्क हा घातल्याशिवाय आणि काम नसताना विनाकारण घराबाहेर पडू नये, सॅनिटायझर आणि मास्कचा वापर करावा हाच हेतू आहे। जय हिंद। ऐसे ही ताजा खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए डेली न्यूज 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।